संसदीय व्यवस्था में सदन में मतदान या मत विभाजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। सदन में किसी विधेयक या प्रस्ताव पर या किसी विषय पर जब बहस पूरी हो जाती है तो उस विधेयक या प्रस्ताव को सदन में पारित कराने के लिए मतदान या मत का विभाजन आवश्यक होता है। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि सदन में मत विभाजन के कितने तरीके हो सकते हैं। सदन में मत विभाजन के कुल 5 तरीके होते हैं। केंद्रीय विधायिका हो या राज्यों की विधायिका, इन्हीं 5 में से आवश्यकता अनुसार कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। हो सकता है कि कुछ राज्यों की विधायिका में इन प्रक्रियाओं में मामूली भिन्नता हो। मतदान का पहला तरीका ध्वनि मत है। दूसरा तरीका पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की गणना। तीसरा तरीका सदन में लगे मतदान यंत्र से मतदान। चौथा तरीका पर्ची द्वारा मतदान। 5वां और अंतिम तरीका लॉबी में जाकर मतदान है। इन 5 विधियों पर ज्यादा विस्तृत में न जाकर हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। किसी विषय पर बहस के पश्चात स्पीकर उस विषय को मतदान के लिए रखते हैं और कहते हैं कि जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हाँ कहें और जो इस प्रस्ताव के विरुद्ध में हैं, वे ना कहें। ऐसा अध्यक्ष 3 कहलवाते हैं। इस तरीके से मतदान को ध्वनि मत से मतदान कहा जाता है। इस प्रक्रिया के क्रम में यदि प्रतिवाद होता है तो एक निर्धारित समय के अंदर लॉबी खाली करवाने का आदेश देकर पुनः ध्वनि मत से मतदान अध्यक्ष के द्वारा करवाया जाता है। मतदान के दूसरी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव के समर्थन वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़ा होने को कहा जाता है और उनकी गिनती होती है। इसी तरह प्रस्ताव के विरुद्ध वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़ा होने को कहा जाता है और उनकी गिनती होती है। इसके उपरांत अध्यक्ष इस मतदान का निर्णय सुनाते हैं। मतदान की तीसरी प्रक्रिया के तहत सदस्यों द्वारा सदन में लगे मतदान यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक सदस्यों के सीट के पास इस यंत्र के कुछ बटन लगे रहते हैं जो यस और नो को दर्शाते हैं। सदस्यों द्वारा इन बटनों को दबाकर अपना मतदान प्रस्ताव के पक्ष में या विरोध में दिया जाता है। चौथी प्रक्रिया के तहत प्रत्येक सदस्य को एक पर्ची दे दी जाती है और सदस्य उस पर्ची पर अपना नाम अंकित कर देते हैं, जिनकी गिनती सचिव व अन्य चयनित अधिकारी द्वारा कर अध्यक्ष को सूचित किया जाता है और अध्यक्ष द्वारा मतदान का निर्णय सदस्यों को सुना दिया जाता है। मतदान के 5वें और अंतिम विधि को हम डिवीजन ऑफ लॉबी या लॉबी में जाकर मतदान करना कहते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष हां पक्ष वाले सदस्यों को दाई लॉबी में और ना पक्ष वाले सदस्यों को बाई लॉबी में जाने को कहते हैं। सदस्य जब लॉबी में चले जाते हैं तो वहां पर मतदान पर्ची में अपना मतदान अंकित करते हैं। इन पर्चियों की गिनती के पश्चात अध्यक्ष द्वारा मतदान का निर्णय सदन को सुना दिया जाता है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 367 में लोकसभा में मतदान की विस्तृत प्रक्रिया को दर्शाया गया है। बात झारखंड विधानसभा के संदर्भ में करें तो झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 294(1) के अनुसार मत आवाज या विभाजन से लिया जा सकेगा और यदि कोई सदस्य वैसी इच्छा करे तो मत विभाजन से ही लिया जाएगा। अध्यक्ष विभाजन से मत लेने की रीति निर्धारित करेगा। विभाजन से मत लेने की रीति का विस्तृत प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा दिए गए स्थायी आदेश के नियम 83 में दर्शाया गया है। झारखंड विधानसभा में स्वचालित मतदान यंत्र स्थापित नहीं होने के कारण इस विधि से मतदान की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है।